एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को इच्छाओं और लोभ पर शिक्षा दे रहे थे कि तभी वहां पर बैठे हुए सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, क्या व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है या फिर हमें उस इच्छा को पूरा कर लेना चाहिए? तब महात्मा बुद्ध ने शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा, चाहे तो वो हर तरह से स्वयं को नियंत्रण में कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, हमें उस पर नियंत्रण करना आना ही चाहिए। जो इच्छाएं उचित हैं उसी को पूरा करो और जो इच्छाएं उचित ना हो उन पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। इस पर उस शिष्य के मन में एक और सवाल जाग उठा। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, पर गुरुवर, आप ही बताइए कि कैसे हम उन इच्छाओं को नियंत्रण में कर सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। इस कहानी में एक साधु था जो बहुत ही वृद्ध हो चुका था। वो अकेले अपने गांव में रहा करता था। उसके साथ कोई और नहीं था। वो हर रोज जा करके भिक्षा मांगा करता था और अपना पेट भरा करता था। एक दिन वह किसी काम को पूरा करके नगर से अपने गांव की तरफ जा रहा था कि तभी मार्ग में वह कुछ सामान लेने लगता है। तभी उसकी नजर बगल की दुकान पर रखे खजूरों पर पड़ती है। वह खजूर देखकर उसके भीतर लालच आने लगता है। उस वृद्ध साधु को वह खजूर बहुत ही पसंद है और उनके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठती है। और वह साधु ये सोचने लगते हैं, क्यों न मैं थोड़ी सी खजूर ले लूं और घर जाकर खा लूंगा। लेकिन वो एक साधु थे जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस खजूर को खरीद सके, जिसके कारण वो मन छोटा करके घर लौट आते हैं। घर आने के बाद भी उनके मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि कैसे मैं उन खजूरों को खरीद सकूं और फिर खा सकूं। खजूर खाने की उनके मन में इतनी प्रबल इच्छा जाग उठी थी कि उन्होंने इसके लिए पैसे भी इकट्ठा करने की ठान ली। और दूसरे दिन वो सुबह सुबह एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिए, जहां पर उन्होंने खूब सारी लकड़ियां काटी और फिर उन लकड़ियों का ढेर बनाया और फिर उनका एक गट्ठर बनाया और उस गट्ठर को लेकर के वो बाजार की ओर चल पड़े। लेकिन जैसा कि वो थोड़े से वृद्ध हो चुके थे, जिस वजह से वो इतना वजन उठा नहीं सकते थे, वो कुछ कदम चलते और फिर थक कर एक जगह बैठ जाते। ठीक इसी तरह से फिर कुछ दूरी चलते और फिर विश्राम करते। ऐसा करते करते आखिरकार वह बाजार तक पहुंच जाते हैं और बाजार पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर एक जगह पर रख दिया। लकड़ियां काफी अच्छी थी, जिस वजह से वे सारी की सारी लकड़ियां सिर्फ एक व्यापारी ने ही पूरी की पूरी खरीद ली। लकड़ियों का गट्ठर बेचने के बाद अब उन साधु के पास इतने पैसे आ गए थे वे जाकर उन मीठे खजूर को खरीद सकते थे। और अब वह साधु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे तैसे करके ही सही उन्होंने पैसे जोड़ लिए हैं, अब वह अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। और वह उन पैसों को लेकर के तुरंत उस खजूर की दुकान पर जाते हैं और अपने लिए उन पैसों से खजूरों को खरीद लेते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। वह अपनी माँ से कुछ खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब वह जिद नहीं करता और घर के लिए माँ के साथ चला जाता है। यह देखकर वृद्ध साधु के मन में एक सवाल जाग उठता है।
कि यह छोटा सा बच्चा खुशी खुशी अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर रहा है। और मैं तो एक साधु हूं, मुझे तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही चाहिए। जिसके बाद उनके मन में और भी विचार आने शुरू हो जाते हैं कि आज एक खजूर खाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, जो इतनी सस्ती थी इसलिए मैं खरीद पाया। लेकिन अगर कल किसी अन्य ऐसी किसी महंगी चीज के लिए मेरे मन में इच्छा जाग उठेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? महात्मा बुद्ध ने यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी और आगे अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि उस साधु ने अपनी एक इच्छा को पूरी करने के लिए लकड़ियां भी काटी और उन्हें बेचा भी, लेकिन कल किसी अन्य इच्छा को पूरी करने के लिए उन्हें और क्या क्या करना पड़ सकता है? यह लोभ करना बहुत गलत है, जो चीज हमारी क्षमता से बाहर है यह बिल्कुल सही नहीं। उससे बेहतर है कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें, क्योंकि यदि हम अपनी हर इच्छा को पूरी करने लग गए तो हमारे भीतर का जो लालच है ये कभी खत्म नहीं होगा और ये लगातार सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। तब हमें लगेगा कि हम यह भी ले लें और यह भी ले लें। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, हमारे मन में हर पल एक नई इच्छा जाग उठती है, जिसमें से कुछ इच्छा उचित होती है और कुछ अनुचित। तो बेहतर होगा कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, जिससे हमारा भी भला होगा। सिर्फ जो उचित इच्छाएं हैं हमें उन्हें ही पूरा करना चाहिए। जब साधु के मन में भी यह बात उत्पन्न हो जाती है तो वे साधु भी उस खजूर को खाने की इच्छा को त्याग देते हैं और वह खजूर एक गरीब को दे देते हैं और फिर से वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं कि उस साधु ने सही किया या फिर गलत। भी उनमें से एक शिष्य कहता है, उन साधु ने बिल्कुल सही किया। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा पुत्र। व्यक्ति को हर तरह से देखकर, समझकर निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी इच्छाएं तो अनगिनत हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो उचित है उसी पर सोच विचार कर उसे पूरा करना चाहिए, ना कि लालच में आकर हमें इच्छाओं के अधीन होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें आज से अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, तभी जीवन में आगे चल करके हम सफल हो पाएंगे। मनुष्य को यह बात समझनी चाहिए कि हमें इच्छाओं का दास नहीं बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और अच्छी बातें लोगों तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।